सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंस दे रखा है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमारे पास सरोज, महिंदर और उमर। आफ्टर मेल एडजस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट भी एडजस्टमेंट कर रखी है और ड्रॉइंग भी एडजस्टमेंट कर रखी है, 80,000, 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट इज डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या कर दिया गया, भुला दिया गया जब एडजस्टमेंट की गई, जब अकाउंट को प्रिपेयर किया गया। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 कितना था हमारे पास, ये था 80,000, जो क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कैपिटल के अंदर ऐड हो चुका है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर सरोज और मनिंदर ने क्या किया, ड्रॉइंग की है, ठीक है ना, कितनी 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। और उमर विड्रॉ कितने किए हैं, 36,000, ठीक है। तो उमर ने 36,000 किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले गए हैं, और ये कब निकालने हैं, एंड ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ के एंड में कितना लगता है, ओपनिंग में लगता है 6.5, मिड में लगता है 6 मंथ और लास्ट में कितना लगता है, 5.5 मंथ। तो यहाँ कहाँ निकाल लिए हैं, एंड में निकाल लिए हैं, ठीक है ना, इसलिए कितना लग जाएगा ये, कितना लास्ट में कितना लगता है, 5.5 मंथ, ठीक है ना। तो लास्ट में 5.5 मंथ के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। विड्रॉ कितने किए हैं, 36,000, तो इसके बारे में नहीं पता है तो इसमें कितना लगा देंगे, 6 मंथ का लगा के चलेंगे। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना करना है, 5% चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कर चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाली है पार्टनर के बीच में वो 4:3:1 रहने वाली है। तो अपना जो काम करना है वो क्लियरली करो और रेक्टिफाई जो एंट्री बनती है वो पास करो। तो हमारे पास पार्टनर कौन है, एक तो है सरोज, एक है मनिंदर और एक हमारे पास है उमर, ठीक है ना। तो हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कितना प्रॉफिट है, 80,000, जो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 4:3:1, तो ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 4 और 3 7 और 1 8, तो हर खाते में कितने आएंगे, हर पार्ट में आएंगे 10,000। तो इसको कितने मिले होंगे, लिखेंगे टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है ना, कितने रेशो में, 4:3:1 में। तो इसको कितने मिले होंगे, ये मिलेंगे, ये आएगा 8 से डिवाइड करोगे 10,000, तो ये कितने आएंगे, इससे आएंगे 40,000, सेकंड में कितने आएंगे 30,000, लास्ट में कितने आएंगे 10,000, और हमारे पास कितने आ जाएंगे, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट कहते हैं ड्रॉइंग कितने की है, 24,000 और 36,000। तो यहाँ क्या आई है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है ये साल है, ठीक है ना, और यहाँ हमारे पास है ओपनिंग 1 अप्रैल, और ये क्या है हमारे पास, 31 मार्च। यहाँ पर हमारे पास कौन है, एक तो है सरोज, मनिंदर और उमर, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल हमारे को दी हुई है कितनी है, 80,000, सेकंड केस में कितनी है, 60,000 और थर्ड की कितनी है, 40,000। इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड है, इसके अंदर ऐड है 40,000, इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड है, 30,000, इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड है, 10,000, ठीक है। ड्रॉइंग कितनी की है, 24,000, 24,000 माइनस कितना हो चुका है, 24,000 माइनस हो चुका है, इसमें भी 24,000 माइनस हो चुका है और इसमें 36,000 माइनस हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 80,000, में क्या ऐड है, प्रॉफिट ऐड है, माइनस करो कितने का, 40,000 का, तो 40 प्लस 24 कितना हो जाता है, ये 64,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 60 में से 30 क्या है, आपका प्रॉफिट है, तो 30 रह जाएगी आपकी कैपिटल, 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये 54,000 हो जाएगा। अगर हम बात करें उमर की, तो उमर की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 40 में से 10 तो प्रॉफिट ही है, तो कितना रह जाएगी आपकी, 30, 36 कितना हो जाएगा, 66,000 आपकी कैपिटल हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल, और कितना लेना है, 10% लेना है, तो लिखेंगे टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, ठीक है। किसको देना है, एस को भी, एम को भी और वी को भी, कितना आ जाएगा ये हमारे पास है 64,000, ठीक है ना। 64,000 के ऊपर कितना हो जाएगा, 6400, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5400, यहाँ कितना आ जाएगा, 6600, टोटल कितना आया आपका,
6400 प्लस क्या करोगे 5400 प्लस क्या करोगे 6600, तो हमारे पास आ गया 18400 इसमें से माइनस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो कितना 5%। तो अगर हम बात करें ए की, जो दोनों केस हैं फर्स्ट वाले कौन है, सरोज और मनिंदर, इनका तो सेम केस है और उमर का अलग केस है, तो उमर की एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहले उमर का अमाउंट निकाल देते हैं कितना है 36,000, किस रेट से लगाना है 5/100 इंटू टाइम हमारे को पता है 6/12, क्योंकि डेट नहीं पता है तो हम क्या लेके चलेंगे 6 मंथ का लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दो 18 36, 180, 180 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप इंटू 5 तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ आ जाता है 900। ठीक है, 900 इंटरेस्ट का पता चल गया हमारे को किसका, उमर का, रहता है मनिंदर का और सरोज का। ठीक है ना, इसने कहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ मंथ, मंथ के एंड में निकालते हो तो 5.5 मंथ का लगता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आपने कितना निकाला है 24,000, कितने परसेंट से, ये लगेगा आपका 5/100 से इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 मंथ। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 240 इंटू कितना करोगे 5, इंटू कितना करोगे 5.5 और डिवाइड कितने से करोगे आप 12 से। ठीक है ना, तो मेरे पास आएगा 550। ठीक है ना, तो 550 550 आ जाएगा, लिखेंगे टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना, एट द रेट 5%। ठीक है ना, तो यहाँ पर इससे कितना चार्ज करोगे आप 550, इससे भी कितना करोगे 550 और इससे कितना करेंगे, अभी निकाला था हमने 900, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100 और ये कितना हो जाएगा 900, तो टोटल कितना आपके अकाउंट में आ जाएगा 2000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर चुके हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, अब कहता है जो प्रॉफिट है उसको क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी 4:3:1। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करते हैं हम टोटल देखते हैं कितना अमाउंट आया है, टोटल आया है 82,000 और खर्च कितना हुआ है हमारे पास 82,000 में से खर्च हो चुका है हमारे पास 18,400, 18,400, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 63,600। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है 63,600 और इसको किस रेशियो में डिवाइड करोगे 8, 4 और 3, 7 और 1, 8, तो इसको डिवाइड करो 8 से, डिवाइड करेंगे इसको 8 से। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7950, एक पार्ट के अंदर आएगा 7950, ये किसको देना है, लास्ट वाले को देना है, कितना दे देंगे 7950। ठीक है ना, दूसरे को कितना देना है, इसको देने है भाई 3 हिस्से, 3 हिस्से इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 23,850, थर्ड वाले को कितने देने हैं 7950। ठीक है ना, इसको देने 4 हिस्से इंटू 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 31,800। ठीक है, अब क्या करो, इसका टोटल करो। ठीक है, टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 82,000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 10,900। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये 8 और 4 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 12 और ये कितना हो जाता है 6, 6 और 3 कितने हो जाते हैं 9 और ये कितना हो जाता है 2, ये कितना हो जाता है 30,550, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 40,550। अब 40,550 में से क्या माइनस करना है आपको, माइनस करना है 38,200। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा ये आएगा 2,350, ये किसकी वजह से आया, ये आया डेबिट की वजह से। ठीक है,
और अगर इस साइड की बात करें, यहाँ कितना है हमारे पास, 30,000 55 और 0, माइनस कितना करोगे, 29,250, तो मेरे पास आएगा 1,300। यहाँ कितना आएगा आपका, 1,300। ये किसकी वजह से आया, ये भी आपका डेबिट की वजह से आएगा। थर्ड केस देखते हैं कितना आएगा, आपके पास कितना है, 14,550 माइनस कितना करोगे इसमें से, 10,900। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ यहाँ आएगा मेरे पास डेबिट में कितना आएगा, 3,650। किसकी वजह से आया, ये आया क्रेडिट की वजह से। तो हमारे पास क्या आएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो एस के कितना जाएगा, ये 2,350 कितना जाएगा, 23, और ये 50 डेबिट में, इसमें कितना जाएगा, ये जाएगा 1,300। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 3,650, ये कितना आ जाएगा, 3,650। टोटल देख लेते हैं, 0 5 3 और 3 6 और ये 2 और 1 3, तो हमारा ये इस तरह से करेक्ट आंसर बन जाता है। आपने इस तरह से क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।